नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गूगल में एचआर एग्जीक्यूटिव के पद पर काम करने वाली स्वाति शर्मा की मौत का रहस्य उलझता जा रहा है। दिल्ली पुलिस स्वाति की मौत को जहां आत्महत्या का मामला बता रही है, वहीं स्वाति के परिजन इसे हत्या केस बता रहे हैं। स्वाति के भाई अनिरुद्ध शर्मा का आरोप है कि दहेज के लालच में ससुराल वालों द्वारा स्वाति की हत्या की गई। अनिरुद्ध इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर स्वाति को इंसाफ दिलाने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। दो साल पहले 2019 में उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के निवासी हर्षवर्धन त्रिपाठी से लव मैरिज करने वाली स्वाति की 19 जनवरी को रहस्यमय तरीके से मौत की खबर सामने आई। स्वाति पूर्व दिल्ली के मयूर विहार में रहती थी। मयूर विहार में रहने वाले कुछ पड़ोसियों ने उसके भाई अनिरुद्ध को स्वाति द्वारा खुदकुशी करने की खबर दी गई। पड़ोसियों की सूचना के बाद आनन फानन में कोलकाता से दिल्ली पहुंचे अनिरुद्ध का आरोप है कि स्वाति का कत्ल किया गया है, ससुराल द्वारा स्वाति की हत्या की गई। अनिरुद्ध अपनी बहन की मौत की जांच करवाना चाहते हैं और उसे हर हाल में इंसाफ दिलाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि स्वाति की रहस्यमयी मौत और कथित तौर पर हत्या को लेकर अनिरुद्ध ने दिल्ली के स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दी गई, लेकिन आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। पुलिस का कहना है कि स्वाति ने अपने ससुराल में खुदकुशी की है। अब पूर्वी दिल्ली के SDM ने अनिरुद्ध का बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। स्वाति के भाई ने SDM को दी अपनी शिकायत में कहा कि स्वाति के साथ उसके ससुराल वाले मारपीट करते थे, उसे यातनाएं देते थे और दहेज की मांग करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।